हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए झटपट बना लेते हैं अंडा करी, और फटाफट बन जाती है अंडा करी और बहुत ही टेस्टी होती है, सिंपल एंड यम्मी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अंडे को मैंने उबाल के अच्छे से मैंने नमक और हल्दी डाल के मैंने फ्राई कर लिया है, और इसके बाद में जो बचे हुए जो ऑयल है उसमें हम सब बनाएंगे उसमें करी। तो एक्स्ट्रा ऑयल देने की ज़रूरत नहीं है। तो बचे हुए ऑयल में मैंने दिया यहाँ पे प्याज भून लिया है अच्छे से, और दो प्याज मैंने दिया था, थोड़ा तेज़पत्ता दिया था, और मैंने जो मसाला पीस के रखा उसमें है लहसुन अदरक हरी मिर्च टमाटर और गरम मसाला जीरा और टमाटर। तो इसको मैंने पीस लिया था और वही मैंने दे दिया है। और ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है आप पीस के डालोगे तो बहुत ही अच्छी लगती है रेसिपी। तो अच्छे से फ्राई करना है तेल छोड़ने तक। तो जैसे हमारा मसाला हो गया था तैयार, तो इसमें अंडा दे के हमने फिर से फ्राई करने लगा, और बहुत देर तक फ्राई करना है। थोड़ी देर तक अच्छे से पकाते पकाते जब देखिए आप पूरा देखिए मसाला जो है अंडे के साथ में अच्छे से फ्राई हो चुका है, तब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गर्म पानी। और गर्म पानी डालने के बाद फिर हम उसमें बाद बाकी सामान जो है ऐड करेंगे। तो देखिए हमने गर्म पानी दे दिया था, और धनिया पत्ता कटे हुए धनिया पत्ता भी डाल दिया है, और इसको अच्छे से उबाल आने देंगे 2 से 3 मिनट तक। और हमारा रेडी है बिल्कुल तैयार गर्मा गर्म चावल या रोटी या चपाती के साथ में खाए, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आप सब ज़रूर ट्राई करें, और प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स करके कैसा लगा। ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को।